Hello everyone, our today's topic is fungi. Okay, let's start. What are fungi? Fungi are most abundant in nature. These are present everywhere, such as जब हम bread देखते हैं, bread के ऊपर हमारी yeast आती है, तो all are the varieties of fungi. Okay, so fungi की अब हम बात करते हैं, तो fungi होते कैसे? What are fungi? Fungi are eukaryotic. These are eukaryotic. Eukaryotic means their cell consists of nucleus, mitochondria, Golgi bodies. Means eukaryotic cell, उनके पास nucleus, nuclear membrane होती है, cell organelles होते हैं, ये सब present होते हैं eukaryotic. तो fungi हमारे eukaryotic. उसके बाद fungi, they cannot prepare their food by itself. Means they ये photosynthesis नहीं कर सकते, ये अपने food के लिए other organisms पर dependent रहते हैं. That's why we call them heterotrophic. Heterotrophic. Okay. So second point is heterotrophic in nature. Okay. Next आता है हमारा heterotrophic होंगे तो अपना food किससे लेंगे? तो algae से लेंगे, plants से लेंगे. ठीक. तो dependent हुए ये dead organic matter से लेते हैं. तो हम heterotrophic के साथ जब हम बात करते हैं क्या mode of nutrition. Mode of nutrition के लिए मैंने short में MON लिखा है, mode of nutrition. तो it can be three types. Okay. First is saprophytic. Saprophytic. Okay. Second one is parasitic. Parasitic. Okay. And the third one is symbiotic. Symbiotic. तो saprophytic जब ये अपना food nutrients डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं तब हम इनको बोलेंगे सैप्रोफिटिक. उसके बाद पैरासिटिक ये क्या करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं देन लिविंग ऑर्गेनिज्म तब हम बोलेंगे पैरासिटिक. ओके थर्ड वन इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक हम बोलते हैं जब ये किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मीन्स दोनों का बेनिफिट दो अलग अलग स्पीसीज हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ दोनों को फायदा हो गया तब हम रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस. And the type of mode of nutrition is symbiotic. For example, आप देख सकते हो lichen. Lichen क्या होता है आपका? Lichen is a relationship, symbiotic relationship between algae and fungi. Algae and fungi. Okay. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं fungi और algae की, तो fungi क्या करता है? Algae को shelter provide करता है. और जो algae है, algae के पास क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल और एल्गी क्या करेगा आपका फोटोसिंथेसिस मींस इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर. ओके तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है आपका लाइकेन और ये जो रिलेशनशिप है दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों को फायदा होगा दोनों को बेनिफिट होगा. ओके अब जो एल्गी का पार्ट है उसको हम कहते हैं हमारा फाइकोबायोन. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइकोबायोन. ओके एंड फॉर फंजाई वी यूज माइकोबायोन. माइकोबायोन. ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं वी आर स्टडीइंग अबाउट फंजाई. तो माइकोबायोन इज द फंजाई. अब स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी हमारी माइकोलॉजी. ओके तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. लाइकेन में हमारा एल्गी और फंजाई. एल्गल पार्ट को हम फाइकोबायोन्ट बोलेंगे और आपका फंगल पार्ट को हम माइकोबायोन्ट बोलेंगे. फंजाई क्या करेगा एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगा और आपका एल्गी क्या करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड की प्रिपरेशन करता है किसके लिए फंजाई के लिए. ओके तो यूकैरियोटिक होते हैं हमारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक इन नेचर सैप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मैटर न्यूट्रिएंट्स लेंगे पैरासिटिक इन नेचर और सिम्बायोटिक. हमने सिम्बायोटिक को भी समझा लाइकेन को समझा अब आते हैं हमारे अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर. ओके तो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर. ओके सो मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है एक्सेप्ट. अब इसका एक एक्सेप्शन है. ओके एक्सेप्ट एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई व्हिच इज
included in ascomycetes. Okay, except fungi, yeast कैसा है हमारा? Unicellular. Yeast is unicellular in nature. While the most of them are multicellular. यहाँ तक हमने पढ़ा. अब हम इसके बाद बात करते हैं इसका reproduction. Okay. So when we are talking about the reproduction in fungi, reproduction in fungi. Okay. So reproduction की requirement क्यों होती है? कोई भी species, कोई भी organism अपने आप को इस अर्थ पर maintain रखने के लिए क्या करता है? Reproduce करता है. अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाता है. Give birth to offspring. तो reproduction होगा fungi में. ठीक. रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज वेजिटेटिव. ओके, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द थर्ड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का सोमेटिक पार्ट, उसकी बॉडी का सोमेटिक पार्ट जब उससे डिटैच हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा. ओके, और एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा, देन वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो अब हम वेजिटेटिव को फर्दर क्लासीफाई करते हैं. कैन बी बाय ऑफ थ्री. ओके, फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. ओके, सेकेंड इज बडिंग एंड थर्ड वन इज फिजन. सो बडिंग हम देखते हैं आपका ईस्ट में. ईस्ट की बॉडी में क्या होता है? एक सेल होती है. ईस्ट इज अ सिंगल सेल, मैंने भी बताया. दैट इज यूनिसेलुलर. मेंशन है यूनिसेल्युलर. ईस्ट आपको यूनिसेल्युलर है. तो ईस्ट में क्या होता है? एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है. ओके, दिस इज जस्ट लाइक बर्ड. बर्डिंग की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा आपका, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, न्यूक्लियस डिवीजन होगा. आफ्टर दैट एक लार्ज साइज सेल रहेगी और एक स्मॉल साइज सेल बन जाएगी. ठीक है, ये क्या हुआ आपका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द मोड ऑफ बर्डिंग इन द ईस्ट. आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बडिंग में जब भी आपका डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो स्मॉल इन साइज होगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट सेल. ये जो पेरेंट सेल थी, ये जो डॉटर सेल बनी है, ये इसके कंपैरिजन में स्मॉल है. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट द बडिंग. बडिंग हमें मिलता है ईस्ट में. फ्रेगमेंटेशन, किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ? फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हो गया. फ्रेगमेंट्स में क्या होता है आपका? स्मॉल इन साइज हो सकता है, कोई फ्रेगमेंट बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है. समझ रहे हो आप? अनइक्वल साइज, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. उसके बाद आता है हमारा फिजन. फिजन में क्या होता है? दिस इज द ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होगा? इक्वल डिविजन, मीन्स इसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दोनों पार्ट्स क्या करेंगे? अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन. ओके, फिजन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हम बात करते हैं आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. लेकिन नोट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा. ओके, दिस इज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. हमने फंजाई में रिप्रोडक्शन को क्लासीफाई किया है वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो अभी हमने वेजिटेटिव की बात की है. फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, फिजन हो सकता है. ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, कैन आल्सो बी ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज आइसोगैमस. आइसोगैमी हम यूज कर रहे हैं, गैमी गैमस कुछ भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, आइसोगैमी. आफ्टर दैट एन आइसोगैमी एंड देन यूज टर्म ओगैमी. ओके, सो
आइसो, आइसो मींस, आइसो से आपको मालूम चल रहा है मींस होता है सेम। तो फ्यूजन, अब क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा। देखो फ्यूजन और फ्यूजन में कंफ्यूज कभी नहीं होना है। फ्यूजन ब्रेक डाउन, जिसमें डबल एस आया है, ब्रेक डाउन दो एस, ठीक है। फ्यूजन, फ्यूज हो गई है कोई चीज, तो हम क्या करेंगे, आइसोगैमी में क्या होता है, सेम टाइप की टर्म्स, सिमिलर भी बोल सकते हैं हम टर्म यूज करते हैं, होमो भी बोल सकते हैं, सिमिलर गैमेट्स, गैमेट्स के बीच में क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा। ओके, फ्यूजन बिटवीन सिमिलर गैमेट और होमोगैमेट। ओके, उसके बाद हम आते हैं आपका एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी क्या होगी आपकी, फ्यूजन बिटवीन डिससिमिलर गैमेट्स, बिटवीन डिससिमिलर, डिससिमिलर गैमेट्स के बीच में क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा। ओगैमी, देखो ओगैमी दोनों से अलग है। ओगैमी में क्या है आपका, एक मेल गैमेट होगा, मेल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं मेल गैमेट, और दूसरा होगा हमारा फीमेल गैमेट, ठीक है। अब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट अलग अलग है, अलग 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 ही इनकी बात करेंगे। मेल गैमेट आपका कैसा होगा, स्मॉल, ओके, और साथ ही साथ कैसा होगा आपका, मोटाई, मोटाई मीन्स वो मूव कर सकता है। ओके, एंड द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसा होगा, मगर लार्ज इन साइज, लार्ज साइज होगा, और साथ ही साथ आपका नॉन मोटाइल होगा। इतनी बात क्लियर है सबको, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, ओके, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमारा बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन। कैसे होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन के साथ। स्पोर्स कैसे हो सकते हैं आपके, मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल, ओके, कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। एक होते हैं आपके जू स्पोर्स, स्पोर्स, दूसरे होते हैं आपके ए प्लानो स्पोर्स, ए प्लानो स्पोर्स, ओके। दीज जू स्पोर्स, जू स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, इसको गेट से लिख रही हूँ, मोटाइल, ये हमारे कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, ओके, मोटाइल। एंड द ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, कैसे होंगे ये हमारे, नॉन मोटाइल, ओके। तो ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दीज आर मोटाइल। तो ये था हमारा अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हमने बात की वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, ओके। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। एसेक्सुअल कैसे होगा, बाय द स्पोर्स होगा। स्पोर्स होते हैं आपके, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। हम अलग अलग क्लासेस की बात करेंगे तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट होगी, उसमें हमारे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। दैट इज जू स्पोर्स हो सकते हो आपके ए प्लानोस्पोर्स, जू स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, एंड ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, मीन्स ये मूव नहीं कर सकते, ओके। अब इसके बाद हम जरा बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। फंजाई की हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, मल्टी सेलर पढ़ लिया, हेटरोट्रॉफिक पढ़ लिया, कुछ एक दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और बचती है हमारी, दैट इज सेल वॉल। अब हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी फंजाई में, ओके। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन से मिलकर बनी होती है, और दूसरा आपका पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, दिस पॉलीसेकेराइड, ओके। पॉलीसेकेराइड क्या है आपका, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ओके। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। अब फंजाई की जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है आपकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी होगी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे आपका, दिट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हाइफी, हाइफी, ओके। हाइफी कैसा होता है आपका, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, किसी सबस्टेटम से ये अटैच होगा। अब हाइफी में क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हाइफी को जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, तो इसे हम क्या कहेंगे आपका, कॉइनोसिटिक, कॉइनोसाइटिक हाइफी, दिस इज कॉल्ड कॉइनोसिटिक हाइफी। अब इसके साथ
हाइफी में और दो चीजें आती हैं आपकी, हाइफी कैन बी सेप्टिक और एसेप्टिक. सपोज दिस इज अ हाइफी, दिस इज अनदर हाइफी. ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है आपकी, सेप्टा प्रेजेंट है. सेप्टा इज अ लेयर विच डिफरेंशिएट और डिवाइड्स द बॉडी ऑफ हाइफी. सेप्टा प्रेजेंट है, सिस सेप्टा, तो हम इसको करेंगे सेप्टेट. ओके, इसमें क्या है आपका, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तब हम इसको क्या कहेंगे आपका, ए सेप्टेट. वी कॉल इट ए सेप्टेट. ओके, अब यहां तक हमने बात की हाफ फंजाई को, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्शन की हमने बात करी, ठीक है, वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल. उसके बाद हमने फंजाई की सेल वॉल की बात की, किससे मिलकर बनी होती है. फिर हमने बात की फंजाई की स्ट्रक्चर की, हाइफी सिलेंड्रिकल होता है आपका, साथ ही साथ आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और उसमें आपका न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस है, तो हमने उसको कहा कोइनोसिटिक हाइफी. सेप्टा प्रेजेंट है तब हम उसको कहेंगे सेप्टेट हाइफी. सेप्टा एब्सेंट है देन वी कॉल इट एसेप्टेट हाइफी. उसके बाद हाइफी का जो नेटवर्क होता है, मल्टीपल हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं आपका, नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम. माइसीलियम क्या है आपका, नेटवर्क ऑफ हाइफी. नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.